अजमेर में सर तन से जुदा के नारे लगाने के मामले में आरोपी गौहर चिश्ती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें बड़ा खुलासा किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गौहर चिश्ती ने 17 जून 2022 को दरगाह के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि अजमेर दरगाह के निजाम गेट की सीढ़ियों से मौन जुलूस की इजाजत दी गई, लेकिन करीब 3000 लोगों को जमा किया गया, सर तन से जुदा जैसे नारे लगाकर भड़काया गया। इसके बाद 28 मई 2022 को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की नृशंस हत्या की गई, जो नारे गौहर चिश्ती ने लगवाए, वही नारे कन्हैयालाल के हत्यारों ने कन्हैया के कत्ल के बाद लगाए थे। गौहर चिश्ती ने सर तन से जुदा नारे लगाने से पहले 16 मई 2022 की शाम को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम था नमुसे रिसालत सल्लल्लाह, जिसमें शेख जादगन गेस्ट हाउस में समुदाय की मीटिंग के लिए सबको बुलाया गया। इस मामले में गौहर चिश्ती के अलावा फकर जमाली और नाजिम सिद्दीकी के खिलाफ कई संगीन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक गौहर चिश्ती को पुलिस ने 2 साल पहले CRPF कैंप का वीडियो बनाने के मामले में भी गिरफ्तार किया था।